अंकल आप पहले अपना नाम बता देंगे तो सही है थोड़ा सा। बेनर्जीत मसारी, बनारजीत, बेनर्जीत मसारी। बेनारजीत, जी हाँ। हाउ डू स्पेल इट? हाँ, हाउ डू स्पेल हिज नेम? बेनर्जीत मसारी। के नाम की स्पेलिंग बता दो। BENARJIT, जी हाँ। बेनारजीत मसारी। हाँ। MUSA, मुसहरी कैसे लिखते हो? कुछ एस एच है या एस ए? MUSARY। नो नो, MUSARY। हमको पता है, चलिए ठीक है, कोई कोई नहीं, उस बेकार के बातों में भटक गए। चलिए ठीक है, एक चीज बताइए, BTR बना था 2014 में, तो उसके बाद काफी सारे डेवलपमेंट्स होने थे, देयर आर प्लेजेस, सॉरी, बहुत सारे उम्मीदें थे आपके, ऑब्वियसली एज बोडोस, तो सारे उम्मीदें पूरे हुए हैं कि नहीं, कि ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। आपको पूछेंगे आपको कि पहली तो बात है कि बिजली आपने बताया, बिजली कब आई यहाँ पे सर, सरकारी बिजली जो है? ये साल में हुआ है सरकारी, मतलब 2020 को नहीं, 19 को? 19 को है, जी हाँ। कितने महीने होंगे? 19 मतलब 2019 में आया, ज्यादा से ज्यादा कितना महीना होगा, 7-8 महीने होगा? 2019 मतलब लगभग मान लेते हैं 19 में आया है। 19 में तो आया है, लेकिन 19 के बीच में आया था कि पहले शुरुआत में आया था? मतलब 6 महीने से 8 महीने होगा। चले कोई नहीं है, 7-8 महीने पकड़ लीजिए, 7-8 महीने होगा, 6-7 महीना हुआ। अच्छा, 6-7 मास रोजा खा दूंगा केबल बुनाने। चलिए वो बात छोड़िए, नौकरी वगैरह की हालत क्या है आप लोगों की, मतलब बोडो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम। क्या आप काफी इंटीरियर एरिया में है, मुझे लग रहा है, मैंने मतलब जहाँ से आ रहा हूँ मैं, कुकड़ाझार से गोसाईगांव होके, काफी सड़क भी बहुत खराब है मैंने देखा है, गोसाईगांव कुकड़ाझार से गोसाईगांव यहाँ तक आया जब था तो सड़क बहुत खराब है मैंने देखा है। पहले तो अच्छा ही है, तो अभी खराब हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। हाँ। तो कितने साल पहले सड़क बनी थी ये जो सड़क अभी आया है गोसाईगांव से? गोसाईगांव से जो सड़क से आए थे, कुकड़ाझार से जो गोसाईगांव तक आए हैं, सड़क देखा बहुत खराब है, तो पूछ रहे थे कि सड़क खराब है, बोल रही थी कि सड़क पहले अच्छा था, तो पहले कितने सालों पहले, पहले तो बना खराब था, अभी से नहीं अच्छा हुआ है ना, अभी कुछ कर नहीं कर काजू तो इधर ला। ओ अच्छा, नहीं मैं वो नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घूम घूम के काफी सारे डुमटा एक जगह या कुछ नाम है उसका देखा मैंने, काफी सारा डुम पता नहीं कौन सा गांव का दुमका या पता नहीं, टर्निंग टर्न टर्न काफी सारे टर्न लेके आया है, मुझे तो याद नहीं है। तो गोसाईगांव पर से दुखी वो है ना दुमका, यहाँ पर तो नहीं दुमका, तो नहीं दुमका या पता नहीं जो भी है, मतलब काफी सारे टर्न्स लेके आए, वो सड़क बहुत खराब है मैंने देखा, कुल किस्सा है कि सड़क बहुत खराब है मैंने देखा, तो पहले से ही सड़क खराब था या हम लोग कैसे पता चलेगा? नहीं, ये अंकल को पूछ रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग इंसान है, उनको ज्यादा पता होगा। यहाँ पर से रास्ता तो ये तो बताने को मैं नहीं सकेगा,
वहाँ पर से नहीं सकेगा ना, हम लोग तो वहाँ पर नहीं कम जाते, कम जाते हैं है। नहीं जाते हैं। तो आप जो फार्मिंग करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो आप घर का तो खाना वाना चल जाता है, सामान बेचते भी है, बेचते भी है, मतलब सेल करते हैं है तो आप बेचते लेंगे जी। सब्जी सब्जी ये फल ये सुपारी को इसके लिए तो बेचते हैं। अच्छा, तो कौन से मार्केट में बेचते हैं, कहाँ पे वहाँ बेचते हैं? सब कटा माखेगा काशाबरी काशाबरी। ये कितने दूर है ये मार्केट्स? मार्केट 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इसे होता है उस तरफ। मार्केट मार्केट वाली सड़क सड़कें जो है, ये 2-3 मार्केट जो आपने बताए, इनके सड़कें कैसे हैं, मतलब अच्छे हैं कि अच्छा बुरे है? अच्छा है, सबके सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे है नहीं है, तो कब थोड़ा खराब है। यहाँ से जो काशियावाड़ी जाता है वो भी तो खराब हो गया, खराब है। हाँ। ज्यादा आप कौन से मार्केट में जाते हैं? काशियावाड़ी में काशिया क्या सापकटा भी जाता है। अच्छा, तो ये सामने है ना सापकटा और मकताई गाँव, मकताई तो है जी। तो वहाँ पे सड़क हर जगह अच्छा नहीं है। अच्छा, मतलब किसी 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 मार्केट में क्या बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे थे, एक बीच में एक सड़क खराब है, काशियावाड़ी 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 यहाँ से कितने दूर है? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो पानी का फैसिलिटीज आपको अभी तक नहीं आया? नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है? नहीं, ना वहाँ भी है, हम लोग यहाँ भी नहीं है वाटर सप्लाई। वहाँ मतलब कहाँ पे? काशियावाड़ी से थोड़ा दुखी तरफ से, वहाँ भी वाटर सप्लाई है। अच्छा, मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर वहाँ है ना काशियावाड़ी। तो आप लोगों का फैसिलिटीज ज्यादा कुछ है नहीं अभी तक? नहीं। तो बीटीएडी बना, बीटीसी बना 2000 कितने साल में? 14। नहीं नहीं, बीटीएडी बना 2014 में ना, बीटीसी 2003 में। हाँ, 2003 में बीटीसी बना। उसके अभी तक बीटीसी एरिया में है आप? बीटीसी एरिया में। उसके बाद बीटीएडी लार्जर एरिया बना, तो उसके बाद अभी बीटीआर बनने जा रही है। तो इतने सालों में मतलब बोडो मूवमेंट तो जमाने से चल रही है, फिर बीटीसी बनी 2003 को और बीटीएडी बना फिर 2014 को। इतने सालों में फायदा नहीं हुआ कुछ, मतलब आम लोगों को फायदा तो हुआ थोड़ा 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 से हो गया। कैसे? ये सरकार तरफ से हम लोग तो नहीं मिला है, किंतु हमारा गांव में तो मिला है, तो सब तो ये घर मतलब कैसे कैसे आप बता सकती है थोड़ा सा? मुझे नहीं पता है। फायदा मतलब कैसे फायदा, कैसे फायदा मिले है? फायदा हम लोग सरकार पर से सरकार तरफ से आईवाई को घर दिया है गांव गांव में, जो पहले इंदिरा आवास बोलते थे वही, मतलब पीएमआई घर जो बनाते हैं। हाँ। अच्छा, तो उसमें जो आपका घर कैसा है, मतलब खुद से बनाया है? हमारा ये तो आप तो सरकार तरफ से नहीं मिला है, ये निजेरे निस हाथ से मैंने बनाया। अच्छा, आपने खुद हाथ से बनाया? अपने आप से है? नहीं नहीं, मिस्त्री तरफ से। अच्छा, मिस्त्री तरफ से बनाया है, तो सरकार तरफ पर से तो हम नहीं मिला है। आपने ट्राई किया था सरकार की तरफ से? ट्राई तो किया है, तो फिर नहीं मिला है। सरकार तो अभी मतलब यहाँ पे तो सरकार बोडो लोगों का ही है ना? बीटीसी में तो बोडोस को मिलना चाहिए ना दादा? मिलने तो सही है, दूसरे लोग मिल गया, मतलब ऐसा कि चेहरा देख के देख देख के देते, ऐसा क्या है? ऐसे ही तो वो है।
जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है उनको दिया जाता है या फिर हम ऐसा कुछ है क्या? जब गरीब लोग उन लोगों को देती है बताइए आप खुल के बताइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटी बोला है क्या जी? ये गरीब आदमी को लिए सरकार देता है घर, थोड़ा से ये वैसे तो बीपीएल के लिए देता है, देता है बीपीएल भी मिलता है लेकिन उनको नहीं मिलता है ये कह रहा था। तो आप बीपीएल में नहीं होते, नहीं होते ना? आप बीपीएल में है ना, आपका तो बीपीएल है। बीपीएल आपको चावल चावल भी मिलता है तो आप बीपीएल में है। तो बीपीएल में है लेकिन आपको नहीं मिला? मिला है तो घर नहीं मिला, घर नहीं मिला, लैट्रिन मिला है बोल रहे थे। लैट्रिन या तो मिला है इस साल में। तो उसमें पूरा पैसा आपको खुद से पूरा सरकारी पैसे से बनाया कि खुद खुद का भी पैसा लगाया उसमें? लैट्रिन जो बनाया सरकार तरफ से बनाया, पूरा का पूरा पैसा आपको सरकार से मिला है? मिला है। पैसा तो नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है, कुछ निस हाथ से बनाया है। बोलो कंस्ट्रक्शन करके देते हैं, मतलब आपके पैसे गए है क्या उसमें? नहीं नहीं दिया है। आपका खर्चा हुआ है क्या उसमें? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ। मेहनत की है आपने? आप बोल रहे थे कि आप माने हमारा खुद हाथ से तो नहीं बनाया, मैंने तो ठगा भी नहीं दिया, मिस्त्री तरफ से सरकार भी माने भेज करके माने कॉन्ट्रैक्ट करके उस सरकार लोग के बनाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर लिया है ना। अच्छा। उसको लोग बनाया। तो आपको उसमें पैसा खर्चा करना नहीं पड़ा, सीधी सीधी बात यह है? नहीं, एक पैसा भी नहीं? नहीं। तो बढ़िया बात है। और क्या है इश्यूज? स्कूल का, हेल्थ का। अच्छा, हेल्थ सेंटर मैंने देखा है यहाँ पे, हेल्थ सेंटर का ना तो हालत बहुत, मैंने जितने लोगों भी पूछा कि हेल्थ सेंटर तो है नहीं यहाँ पे आसपास। अच्छा, कुछ आप बता सकते हैं कुछ? हेल्थ सेंटर जो सब सेंटर होता है ना, जैसे कि डिलीवरी होना है बच्चे का जी, या फिर बीमारी है किसी को, तो जैसे आपने बताया कि कुछ भी ले जाना पड़ा आपके बेटे को, गुसाई गांव में। तो गुसाई गांव तो बहुत दूर है यहाँ पे, दूर होता है। तो अगर जल्दबाजी में कुछ करना पड़ा तो क्या करते हैं आप लोग? आप बताइए। एम्बुलेंस आते हैं? एम्बुलेंस में जाते हैं। एम्बुलेंस में पैसे देने पड़ते हैं? नहीं नहीं, नहीं लेता है। नहीं लेता है, फ्री, फ्री में ले जाता है। अगर डिलीवरी हो वगैरह होता है तो एम्बुलेंस ही ले जाते हैं, उसमें पैसे वैसे नहीं लगता है। बढ़िया चीज़ है। तो अगर सीरियस सिचुएशन है, मतलब यू आर एन एडल्ट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, जैसे कि कभी कभी ये होता है ना कि सीजरियन वगैरह होता है, सीरियस सिचुएशन हो जाता है, तो उस वक्त क्या करते हैं आप लोग? डॉक्टर में ले जाते हैं। कहाँ पे? जरागुरी। सीजरियन तो यहाँ पे नहीं, सीजरियन कोकराझार, कोकराझार में होता है। कोकराझार में ले जाते हैं, कोकराझार, गुवाहाटी, बरपेटा। नहीं नहीं, अगर कोकराझार ले जाते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज कैसे है, मतलब पैसे उसे खर्चा करना पड़ता है क्या? सीजर में तो होता है, पैसा खर्चा करने होता है। सरकारी अस्पताल में भी? सरकारी अस्पताल में। यानी बोडोस, बोडोस के लिए कुछ अलग स्कीम नहीं है? मतलब बोडो ट्राइब के लिए अलग कोई स्कीम नहीं है? स्कीम तो नहीं है, क्योंकि BTC है ये है। ऐसा कोई मतलब अलग सा कोई स्कीम नहीं है आपके लिए? तो खर्चा, मतलब अगर सीजारियन करना पड़ा तो कितना खर्चा करना पड़ता है अगर कुकड़ा जल ले जाए तो? इसे होता है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में इतना पैसा कैसे लग जाता है? लेता है इसे
आने जाने का तो फ्री है, फ्री फ्री देता है एम्बुलेंस, किंतु वहाँ पे दवाई और सीजरिंग में सब नीच का पैसा देने होगा। और उसके बाद अगर बच्चे जो ये माँ को आयरन टेबलेट वगैरह देते हैं तो लोकल आशा, क्या बोलते हैं, आशा कर्मी, आशा वो भी तो ले जाता है। वो जब समा ये दवा देते हैं, जैसे भाभी जो है भाभी को दवा दिए होंगे ऑब्वियसली, तो उसके वो फ्री में देते कि पैसे लेते हैं? फ्री देते हैं, आयरन 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 टेबलेट देते हैं कि फोलिक एसिड देते हैं, ये सब फ्री में देते कि पैसे लेते हैं? नहीं नहीं पैसा नहीं लेता है, फ्री देता है। सब पहले आपका नाम जान लेते तो अच्छा होता। नाम लगेगा वो बिना नाम के अच्छा, वो अजीब सा लगता है। रोनेन बसुमतारी। ओके सर, तो आप बोल रहे थे कि आपका ये घर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, सरकारी घर है जो, क्या स्कीम का नाम क्या था, AIY कुछ है, पहले इंदिरा आवास बोलते थे इसको, जो भी है। तो ये घर आप बोल रहे थे कि अफेक्टेड था पहले, तो कैसे, ये किस्सा क्या है, आप बता सकते हैं उस वक्त क्या हुआ था, मतलब 96 में क्या हुआ था, मतलब कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, वो आप बताएंगे। तो आदिवासी के साथ आप बताइए, खुल के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे हुआ, घटना कैसे हुई? घटना तो मैंने घटना तो आदिवासी भी हुआ। अच्छा, उन लोगों ने करवाया, हमला करवाया, हमला किया। फिर हमला किया, तो आदिवासी लोग पास ही है ना यहाँ पे? तो आप उस वक्त क्या, मतलब घरवार छोड़ के चले गए थे? हाँ। घर जला दिया था क्या पूरा? जला दिया। लोग मारे भी थे क्या लोगों को? नहीं, मतलब आसपास किसी को मारे थे? नहीं, नहीं। सिर्फ घर जलाए थे? हाँ। आपका घर जला था कि आसपास का और भी घर जले थे? आसपास ही घर। कितने घर जले होंगे? जिसने टिकट नहीं बोला, नहीं बोला। एग्जैक्ट हिसाब नहीं है आपके पास? चलिए कोई नहीं है। आपका घर जला था तो बाद में ये आपको, ये जो घर है आपको कितने सालों बाद मिला, ये कब बनवाया आपने? हमारा भाई है घर जी बहन, तो ये घर जो है आपका है? हाँ, मेरा। अच्छा, तो इस ये घर कितने, कौन से साल में बनाया आपने, कौन से ईयर में? 2000। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ मिशन। अच्छा, वो अभी साथ में बनाता, उसमें सा उसके साथ ही में बनाता। तो उस वक्त तो BTC बन गई थी? हाँ, BTC बन गया। हाँ, BTC बन गया। तो BTC बनने के बाद आपको मिला है ये? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ पानी का बंदोबस्त, कुआ ही है? हाँ, कुआ ही। ये सरकारी तरफ से मिला के आपने बनाया है? नहीं, खुद से बनाया है। हाँ। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है क्या? नहीं। वाटर सप्लाई किस लिए नहीं है, मतलब तरफ से है तो इस तरफ आया नहीं है? नहीं, नहीं। और ये बगल वाले जो है ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था? नहीं। कितना दिन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी? अभी अभी तो है आपके घर में ना? हाँ, नहीं, अभी भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी? करंट है तो? करंट है। करंट की बात कर रहे हैं, मतलब कितना दिन हो गया करंट आते हुए? ओ, पंद्रह में आया है। तो ये बता रहे थे कि 2019 में यहाँ पे करंट आई थी। ये बगल वाले वो केबल लाइन, केबल मतलब सरकारी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। सरकारी तो 19 है, सरकारी केबल।
2019 में बिजली आई आपके यहाँ पे, तो उससे पहले बिजली नहीं थी आपके पास? अच्छा, तो पानी का प्रॉब्लम था पहले? 2003 से पहले पानी का प्रॉब्लम था आपके पास? नहीं, तो पहले पहले पानी पैसे पीते थे? कुआ कुआ तो आपने बनाया 2003 में, 2003 से पहले पहले पानी में खाया था, मतलब पानी है पॉन्ड? हाँ, नहीं नहीं, वो पानी है इधर में। अच्छा, पानी है उधर कहाँ पे? बुरी बात, नदी में? नदी 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 में, नदी। हाँ, पॉन्ड से। पॉन्ड? अच्छा, पॉन्ड से पीते थे, मतलब क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, नदी नदी पोखरी जो, हाँ पोखरी, अच्छा जो भी है, तो वहाँ से पीते थे। तो फिल्टर्ड पानी तो अच्छा पानी नहीं होता था? अभी पानी सही है? पानी सही, कुएं का पानी नवी ने पिया है, दो तीन जगह अच्छा ही मिला मुझे सारा जगह, थोड़ी देर बाद पियेंगे, गला सूख गया है। तो BTC आने के बाद, बेसिकली मैं सवाल पे जाता हूँ, तो BTC आने के बाद आपको कुछ तो फ़ायदा हुआ है, आपको ये मिला है कम से कम, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे है यहाँ पे? स्वास्थ्य दवाई वगैरह मिलता है? दवाई वगैरह मतलब दवाई, हेल्थ सेंटर है क्या यहाँ पे आसपास? यहाँ यहाँ पे मट्टे का है, बाजार बाजार के सामने, बाजार के सामने है। इसको दवाई भी नहीं मिला है? नहीं मिला है, दवाई नहीं मिलता है वहाँ पे। तो आप अगर बीमारी होती है तो कहाँ जाते फिर? दूसरे गाँव जरागुड़ी, यहाँ में दूसरे गाँव तो बहुत दूर है, ये सामने है जरागुड़ी बाजू। अच्छा, यहाँ पे भी एक है हॉस्पिटल है, ये हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे दवाई मिल जाती है? दवाई मिल जाती है, मतलब छोटा मोटा बीमारी के लिए, बुखार उखार होता है, पेट खराब होता है, तो उसके लिए दवाई मिल जाती है, तो फ्री में मिलता है सब कुछ? तो पैसे वैसे लेते हैं? सड़कें जो मैंने देखा है बहुत ख़राब है आप लोगों की तरफ से, तो ये सड़कें मतलब ये पहले से ही ख़राब थे या अभी फ़िलहाल ख़राब हुए? मैं गुसाई गांव से होके आया था, तो देखा कि सड़क जो है गुसाई गांव से यहाँ तक सड़क तो बहुत ख़राब है, पहले से ही ख़राब है, वो कभी मरम्मत नहीं होता है? किस तरफ है ये क्रॉस करके है? उधर। अच्छा, नहीं मैं इस तरफ से आया, तो क्या श्रीरामपुर? श्रीरामपुर से आया। तो यहाँ तो सड़कें बहुत खराब है, इस तरफ भी खराब है, उस तरफ भी खराब है, बहुत खराब है, चारों तरफ खराब है, तो ये तो BTC एरिया है, तो इस पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था ना इतने सालों में? BTC हुआ, फिर BTAD हुआ, डेवलप तो हुआ है, तो थोड़ा बाकी है। अभी क्या आपको लगता है BTR होने से डेवलपमेंट होगी? डेवलप तो होने लगा है। नहीं, होने लगा के मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों से मैंने पूछा कि आसपास इनसे भी पूछा, तो कि हेल्थ फैसिलिटीज़, एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं है यहाँ पे आसपास, अगर डिलीवरी वगैरह करना नहीं, पड़ता नहीं, है तो गोसाई गाँव या कोकराझार ले जाना पड़ता है, तो उसमें भी पैसे काफ़ी खर्चा हो जाते हैं। वैसे मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कहाँ पे ले जाते हैं आप? नॉर्मल तो जरागुड़ी बसेगा। सही है, और सीजरियन वगैरह लगता है तो सीजर थोड़ा सीरियस होता है? कोकराझार या बंगईगांव? हाँ, बंगईगांव बहुत दूर है, है। तो उसमें मतलब सीजर वगैरह के पैसे से कितने लगते हैं, कुछ पता है आपको? पैसे तो सीजर करने से तो 20,000-25,000 सरकारी अस्पताल में। हाँ, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बोडो, ये बोडोलैंड है ना, तो बोडोलैंड में बोडोस के लिए कुछ अलग से
फैसिलिटीज नहीं है कि फ्री में सब कुछ हो या फैसिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी जाए तो पैसे लगता है, पैसे लगते हैं, पैसे तो लगने नहीं चाहिए ना। सरकारी सरकारी अस्पताल अस्पताल में तो थोड़ा थोड़ा लगेगा, और 20,000 में 2,000 लगेगा जैसे सरकारी अस्पताल में, तो पैसा लगेगा, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। अब बड़ो है फिर भी नहीं, कुछ फायदा नहीं है उसके। अजीब बात है यार। रोड कंडीशन खराब है, हेल्थ फैसिलिटीज सही नहीं है, पानी नहीं है, फिर इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? मतलब 2003 में BTC बना, फिर 2014 को BTAD बना, 2003 कहाँ से, कितने साल हो गए, तो इतने सालों में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो BTR होने के बाद इम्प्रूवमेंट होगा आप बोल रहे? को लगता है सच में BTR होने के बाद इम्प्रूवमेंट होगी? हो गया, कितने सालों में नहीं हुआ? आपके एरिया में की बात कर रहे हैं, बाकी एरिया की बात नहीं कर रहे। BTR होने से आपको लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी? कितने सालों में जो हो नहीं हुआ, पानी नहीं है, बिजली आई तो कितने 7-8 महीने होगा, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, जो बेसिक एम्यूनिटीज होते हैं इंसान की जरूरत होती है। मैं आशा करता हूँ वैसे तो डिस्ट्रिक्ट हुआ है तो डेवलपमेंट होगा, थोड़ा थोड़ा होगा डेवलपमेंट। ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपके पास, मुझे लग रहा है। क्या बोलूँ, नहीं आप सच बताइए, उसमें दिक्कत क्या है? खाद लेते हैं। क्या बोलूँ, ऐसा तो आता है, आता है पैसा, आता है तो पैसा कहाँ जाता है फिर? नेता के पॉकेट में। आप ऐसे, मैंने आपको पूछा नहीं आपका प्रोफेशन क्या है, आपको प्रोफेशन ने पूछा नहीं मैंने जी, क्या करते हैं? क्या करते हैं तो किसान है, आप भी फार्मर है किसान, तो आप खेती बाड़ी करते हैं तो मतलब उसी से चलता है आपका घर? हाँ हाँ। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरा लड़का 5 है, लड़की है। अभी जो था वो लड़का है? हाँ लड़का है, लास्ट लड़का ये छोटा लड़का है। अच्छा, आपके तो बाल कुल सब सब काले हैं, मेरे सफेद हो गए जो भी। दोनों बेटा, बेटे क्या करते हैं वैसे? दोनों बेटा शादी हुआ है। शादी हो गई, मतलब काम क्या करते हैं वो? किशन किशन सारे खेती बाड़ी करते हैं आप लोग? खेती कितने हैं आपके, कितना कितना एरिया है आपका? थोड़ा है, थोड़ा मतलब मोटामोटी जमीन, मोटामोटी 5 बीघा। 5 बीघा जमीन में, 5 बीघा में आपके 5 बेटे हैं? है। बेटियां? बेटी एक, तो शादी हुआ, शादी होकर दिया, तो 5 बीघा आप बेटों में बांटोगे तो आपको एक एक बीघा मिलेगा एक बेटे को? क्या करो, मेरा नसीब में नहीं है। तो आपको मतलब फिर आप अनाज बेच नहीं पाते हो क्या? नहीं। तो खाने वाने में चला जाता है, मतलब आपके फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। तो ये घर जो है दूसरे घर है, ये टीन के डब्बे बने हुए हैं, ये मुझे तो पता है, अब समझ में आ रहा है, ये वो इफेक्ट जल जल गया था क्या? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने बनाया? हाँ। तो ये टीन के क्यों बनाया फिर? पक्का नीचे से, नीचे तो पक्का हुआ है। हाँ। तो पक्का, अच्छा आपके तो पैसे की कमी है, भाभी है। आपके बस 5 बेटे यहीं रहते हैं? हाँ। शादी करवा दिया? शादी करवाया, सबकी शादी हो गई बस? दोनों दो क्या? दो क्या, एक लड़की दो लड़का शादी हो। अच्छा, और बाकी रह गए तीन? दो रह गए, तीन का शादी हो गए। हाँ, तीन दो रह गए। तो
किस खेती बाड़ी आपकी, मतलब ये है, उसे चल जाता है इतने लोगों का? पोता पोती है आपके? तो कुल मिला के कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? मेरा जी फैमिली मेंबर 9 जन। 9 लोग हैं? 9 लोगों का खेती बाड़ी से चल जाता है? और कुछ नहीं करते आप लोग? बाप रे बाप। आपके लड़के जो है कितना पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा है कम, मतलब सबसे ज्यादा किसने पढ़ा है? पढ़ा लिखा मैट्रिक पास। और बाकी लोग? सेकंड मैट्रिक फेल। मैट्रिक फेल किया तो उसके बाद नहीं दिया? और फिर तीसरा ये है? 5 लड़के बोले थे ना आपने? 5 लड़का, 4 लड़का। 4 लड़का 1 लड़की। अच्छा, 5 कुल मिला के 5। तो बाकी बाकी लड़कों को बाकी लड़के पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, क्लास 9 है। ये क्लास 9 है जो अभी जिसे मिला था? हाँ। अच्छा, उससे बड़ा वाला? अभी 10 है। अभी 10 में है, मतलब अभी 10 मतलब मैट्रिक देगा अभी। एच एस, यहाँ पे HSNC बोलते हैं ना इसको?